तो आज हमारा गणतंत्र दिवस समारोह और विद्यालय का वार्षिक उत्सव दोनों प्रोग्राम एक साथ ही, और हमारे साथ पूरे स्कूल को सजाने में हमारे कमल सर ने बल्कि चार चांद लगा दिए, और अनिल सर कहीं छूटे नहीं है। सुबह 7 बजे आए, कितने बजे आ गए थे आप? 7:30 बजे आ गए थे, और अपने रोशन लाल जी तो रात को यहीं सोए थे, ये रात को यहीं सोए थे क्योंकि तैयारी करनी थी और हर चीज़ पर मॉनिटरिंग हो रही थी। हमारे जो हैं सीनियर, जिनको कहते हैं कि ये इस स्कूल की आत्मा है, इन्होंने जो पूरी तैयारी पूरे स्कूल को सजा दिया है, और आप देख सकते हैं चारों तरफ से स्कूल लग रहा जैसे दुल्हन की तरफ, और हम कह सकते हैं झड़िया मड़िया सबसे बढ़िया। एक झलक दिल्ली के सबसे अच्छे सरकारी स्कूल की, उससे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा स्कूल कौन सा होता है, जहां पर बच्चों की चहल पहल होती है। स्कूल में रौनक बच्चों से ही बढ़ती है, जहां पर बच्चे हर एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तत्पर रहते हैं, बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, जहां पर टीचर्स स्कूल को घर समझ करके बच्चों की तरह काम पर जुट जाते हैं। छाया मैडम के दर्शन अब हुए हैं, और हमारी रेखा मैडम बहुत ही कर्मठ है, मानना पड़ेगा वैसे रेखा मैम को, मतलब बिल्कुल ऐसे डर जाते हो आप काम पे जैसे अपने घर का काम, बिल्कुल बिल्कुल घर के काम की तरह। और छाया मैडम ने तो पूरी रौनक बढ़ा रखी है स्कूल की, चश्मे की कमी है। इसे कहते हैं सबसे अच्छा स्कूल, क्योंकि यहाँ के प्रिंसिपल सर काम करवाने से ज़्यादा खुद करने में जुट जाते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स को हमेशा सहयोग करते हैं, और ये जो तैयारी आप देख रहे हैं ना, ये महीनों और हफ्तों की नहीं बल्कि चंद दिनों की है, जो चार चांद लगा देती है और पूरे स्कूल को दुल्हन की तरह सजाने में सारे टीचर्स डट चुके हैं। और सिर्फ टीचर्स ही नहीं, प्रिंसिपल ही नहीं, बल्कि बच्चों का टैलेंट देखिए, एक से बढ़कर एक साइंस एक्टिविटी, मैथ्स एक्टिविटी, हिंदी एक्टिविटी, और हर फील्ड में सबसे आगे, क्या गजब के प्रोजेक्ट। तो इसी को कहते हैं सबसे अच्छा स्कूल, क्योंकि इस स्कूल का हर एक चीज़ है कमाल का। इस स्कूल के स्टूडेंट्स एक्टिव, इस स्कूल के पेरेंट्स एक्टिव, इस स्कूल के टीचर्स एक्टिव, और इस स्कूल के प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ एक्टिव। और बच्चे सिर्फ पढ़ने में ही नहीं बल्कि हर फील्ड में अपना टैलेंट दिखाते हैं। तो आप अपने स्कूल की क्वालिटी ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयरिंग करें। धन्यवाद।